नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, भारत और इंग्लैंड के बीच डरबन के मैदान पर मुकाबला खेला गया। 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने T20 के इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर अचीव किया और इस पूरे स्कोरबोर्ड में गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो रहे युवराज सिंह। युवराज सिंह की बात करें तो 16 गेंदों में उन्होंने 56 रन की पारी खेली और आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। और युवराज सिंह ने कुछ उस मुकाबले के अंदर ऐसा किया कि इतिहास बन गया। क्या कुछ साफ उसके बारे में आपको जानकारी दें तो युवराज सिंह ने T20 के इतिहास में 1 ओवर यानी कि 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए और इसके बाद वो इतिहास बन गया और आज तक रिकॉर्ड है। युवराज सिंह ने उस मुकाबले में 12 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ 6 छक्के लगाए। उस दौरान महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ क्रीज पर थे। उस दौरान उन्होंने 12 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और इतिहास बना दिया। बहरहाल इस मैच को हम क्यों याद कर रहे हैं क्योंकि इस मुकाबले को बीते 15 साल हो चुके हैं। इस मुकाबले को हर पल याद किया जाता है। जब भी 6 छक्कों का नाम आता है तो युवराज सिंह का नाम क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि अब युवराज सिंह ने भी इस मुकाबले को याद किया है। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने बेटे के साथ इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि इस बेहतरीन पल को, 15 साल के इस यादगार पल को देखने के लिए मुझे मेरे बेटे से बेहतर कोई पार्टनर नहीं मिल सकता था। आपको बता दें कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, साथ ही युवराज के बेटे भी इस मैच का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल युवराज सिंह के बेटे की वीडियो आप भी देखिए और साथ ही आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।